विकाराबाद जिला में रायतु बंधु स्कीम और महाना पेंशन की रकम देने का मुतालिबा, बेटे और बहू के हाथों लाठी से पिटाई, जुल्म हिरासानी और कत्ल की धमकी, 5 एकड़ अराजी का मालिक ज़ईफ़ शख्स झोपड़ी में रहने पर हुआ मजबूर। विकाराबाद जिला के दामा मंडल के मौजू बासपल्ली में पेश आने वाला एक अफसोसनाक वाकया आज उस वक्त मंजर आम पर आया जब एक बेपस और लाचार ज़ईफ बाप ने मीडिया को अपनी दास्तान सुनाई और अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर बेटे की जानिब से की गई पिटाई से आए हुए जख्म दिखाए। इस वाकये की तफसीलात इस मौजू के साकिन मुतासिरा शख्स रामैया 78 ईयर्स के मुताबिक उसके पास 4.5 एकड़ जरी अराजी है जिस पर काश्तकारी के लिए उसे हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रायतु बंधु स्कीम के तहत और ओल्ड एज पेंशन की रकम हासिल होती है। मुकम्मल अराजी की पासबुक, महाना पेंशन की रकम और साल में 2 मरतबा आने वाली रायतु बंधु स्कीम की रकम उसके हवाले करने का मुतालबा करते हुए उसका छोटा बेटा चंद्रैया गुज़िश्ता चंद दिनों से अपने ज़ईफ बाप को हरासा व परेशान कर रहा है और उसके साथ मारपीट भी करता रहता है। इन्हीं मुतालबात के साथ 5 दिन कबल रामैया के बेटे चंद्रैया ने बर्बरियत का मुजाहिरा करते हुए अपने इंतहाई ज़ईफ व लाखर बाप की लाठी से जमकर पिटाई की और अपने ज़ईफ बाप को ज़मीन पर ढकेल कर लाठी से हमला करने की कोशिश कर रहा था कि वहां मौजूद मुकामी लोगों ने मदाखलत करते हुए रोक दिया। उसके बाद भी उस जालिम बेटे ने इंसानियत की तमाम हदें पार करते हुए अपने बाप को मकान के अंदर ले गया और दोबारा अपने बाप को मारपीट करने लगा। उस ज़ईफ मुतासिरा बाप रामैया ने मीडिया को बताया कि उस वक्त उसके बेटे चंद्रैया के साथ उसकी बहू ने भी अपनी ससुर की पिटाई की। उसने इल्ज़ाम आयद किया कि उसकी बहू ने उसकी गर्दन पर पैर रख दिया कि वो उसका कत्ल कर देगी। 78 साल ज़ईफ रामैया ने यह भी बताया कि उसके बेटे चंद्रैया और बहू ने उसके गले पर चाकू रखकर धमकी दी कि वो उसको कत्ल कर देंगे। रामैया ने बताया कि बेटे और बहू के जुल्म और मारपीट से तंग आकर वो अपने खेत में एक झोपड़ी बनाकर जिंदगी बसर कर रहा है। पासबुक कावलना था ना सिने कोरको को रायतु बंधु कावलना था తలకాయ కొయ్యనికొచ్చి పెండం కాలు పెట్టింది మేడం మీద కాలు పెట్టింది ఎందుకోసం అదే రైతు బంధు కావాలి వాళ్ళకి ఇస్తుండో నాకు ఇస్తా నేను ఇవ్వనికి ఇస్తలేను ఎంత భూమి ఉంటుంది ఎంత భూమి ఉండదు పావుదక్క 5 ఎకరాల భూమి ఉండదు పోలీసులకు చెప్పి రామల పోలీసు వాళ్ళకి చెప్పినావా రానండి కంప్లైంట్ ఇచ్చినావా ఇచ్చిన ఎన్ని రోజులు అయింది ఇచ్చి 4 రోజులు అయింది వచ్చిన రాలే